हेलो जी, मैं ग्रॉसरी करने जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मुझे अपनी कुछ टिप्स शेयर करनी चाहिए जो मैंने पर्सनली लर्न की हैं जब मैं ड्राइविंग का टेस्ट दे रहा था प्रैक्टिकल। तो आए जरा ग्रॉसरी भी करते हैं और टिप्स भी शेयर करते हैं। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से ये पूछो कि एग्जाम आपका किस गाड़ी में होगा, ऑब्वियसली वो गाड़ी वही होगी जो फाशुले वाला प्रोवाइड करेगा, तो आप उस गाड़ी पे कम से कम 1 या 2 घंटा टेस्ट ड्राइव जरूर करो। मतलब टेस्ट ड्राइव का मीन है कि आप अपनी क्लासेस 1 या 2 घंटा की उस पे जरूर लो। नॉर्मली वही गाड़ी यूज होती है जिसपे आपने ट्रेनिंग की होती है, लेकिन समटाइम ऐसे भी होता है कि आप ट्रेनिंग किसी और पे करते हो तो आपका एग्जाम किसी और गाड़ी पे होता है। अब आपको उस गाड़ी पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का फायदा ये होगा दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। एग्जाम जब स्टार्ट होता है तो एग्जामिनर गाड़ी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करता है कि इसकी हैंड ब्रेक कहाँ है, इसका फुस ब्रेक कहाँ है, इसका इंडिकेटर कहाँ से ऑन होता है, वाइपर कहाँ से ऑन होते हैं, स्टाइल का प्रोफाइल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस। टू प्रैक्टिस दोस थिंग्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आस्क योर इंस्ट्रक्टर कि आपको इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करे, और जब वो एक्सप्लेन कर रहा हो तो उसकी एक वीडियो बनाए और कोशिश करे कि वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जर्मन में हो। बिकॉज आप जब उस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपके माइंड में वो जो सारे वर्ड्स हैं मेमोराइज होते जाएंगे, जिसमें वो एक्सप्लेन करेगा कि टायर का प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं, रेडिएटर का पानी किधर होता है, वाइपर का पानी कहाँ पे होता है, इंडिकेटर्स कैसे ऑन करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप एक वीडियो में रिकॉर्ड करें और उस वीडियो को बार बार देख के उसको प्रैक्टिस करें। सो दिस इज अनदर वे टू मेमोराइज एवरीथिंग विच इज इन जर्मन, बिकॉज मोस्टली एग्जामिनर्स जो है वो जर्मन में ही बोलेंगे, इवन कि आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो बेशक आपको इंग्लिश में सारी चीजें एक्सप्लेन करे, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपका इंस्ट्रक्टर कौन सी गाड़ी एग्जामिनेशन डे पे प्रोवाइड कर रहा है, एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ द डैशबोर्ड ऑफ दैट कार और उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, या अगर आपको गाड़ी के मॉडल का पता है, फॉर एग्जांपल अगर आप उस दिन ऑडी A5 यूज कर रहे हो, गूगल पे जाओ ऑडी A5 सर्च करो, उसका जो डैशबोर्ड होगा उसका प्रिंट आउट लो और उस डैशबोर्ड को अच्छे तरीके से समझो, उसको याद करो कौन सी चीज किधर है, बिकॉज यू नीड टू मेमोराइज ईच इंस्ट्रूमेंट विद जर्मन नेम। बिकॉज एग्जामिनर जो है वो आपको जर्मन में उनके बारे में पूछ भी सकता है, या आपको जब गाड़ी को चला रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस जगह पे लगा हुआ है। व्हाट यू कैन डू इज कि आप पेपर के ऊपर उनके नाम लिख सकते हो और उसको लर्न बाय हार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टिप इज कि जब आप गाड़ी में बैठते हो, आपका एग्जामिनर बैठा होगा और आपके बिल्कुल साथ आपका इंस्ट्रक्टर बैठा होगा, और आपका एग्जामिनर आपके पीछे ऑपोजिट साइड पे बैठा होगा, आपको देख सकता है, आपके लेग्स को देख सकता है, आपके हाथों को, ही कैन सी यू क्लियरली। सो जब भी आप गाड़ी में बैठो तो 1 से 2 मिनट लो टू कम्फर्टेबल योर सेल्फ, अपनी सीट बेल्ट लगाओ, अपनी सीट को एडजस्ट करो और टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, बिफोर ड्राइविंग ऑफ द कार टेक योर टाइम और अच्छी तरीके से एक दफा डैशबोर्ड पे नजर दौड़ाओ, ट्राई टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर कार, यू नो। तो नेक्स्ट टिप ये है, जब आप गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट करो तो ट्राई टू ड्राइव एज स्लो एज पॉसिबल। इट्स नॉट लाइक कि आप गधे की स्पीड पे चलाओ, द पॉइंट इज कि जहां पे 30 की लिमिट है ट्राई टू ड्राइव ऑन 25, जहां पे 50 की लिमिट है 45 पे ड्राइव। उससे क्या होगा, अब जितना कम ड्राइव करोगे इसका मतलब है कि आप कम से कम डिस्टेंस कवर कर, जितना आप कम से कम डिस्टेंस कवर करोगे उसका ये मतलब है कि आप कम से कम मिस्टेक्स करोगे। ऑल्सो जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ट्राई टू स्टे ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड या तो स्ट्रेट जाती है या राइट पे टर्न करती है, और उस पे लोग आपको तंग भी नहीं करते अगर आपको पीछे से आके कोई ओवरटेक करने की कोशिश करता है। सो द टिप इज के ड्राइव स्लो एंड ड्राइव ऑन द राइट हैंड साइड, एंड अंटिल कि आपको आपका एग्जामिनर कुछ बोले कि राइट या लेफ्ट टर्न करना है, कीप ऑन ड्राइविंग स्ट्रेट। तो अगर कोई टर्न आ रहा है और आप प्रायोरिटी रोड पे हो तो आप प्रायोरिटी रोड को फॉलो करोगे, विच इज रियली इजी। लेकिन अगर कुछ टी क्रॉसिंग आ रही है, वहां पे प्रायोरिटी रोड भी नहीं है, देन यू कैन ऑब्वियसली आस्क दैट यू वांट टू गो राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट टिप इज कि नेवर बी ओवर स्मार्ट, इवन कि अगर आप गाड़ी को 20 साल से चला रहे हो, नेवर ट्राई टू इम्प्रेस एग्जामिनर विद योर ड्राइविंग स्किल्स। वो बिल्कुल भी ये देखना नहीं चाहता कि आप गियर कितनी तेजी से चेंज करते हो, आप स्टेयरिंग को एक हाथ से कैसे घुमाते हो, ही इज नॉट गोना इम्प्रेस विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो ऑल ही वांट टू सी कि आपने सीखा क्या है, आपके साथ जो ट्रेनर आपका बैठा हुआ है उसने आपको जो सिखाया है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। ट्राई टू शो एज मच एज पॉसिबल कि आप दूसरों की केयर कितनी
नहीं करते हो जब आप सड़क पे हो, आप अपने दाएं बाएं कितना देखते हो, आप अपना बैक मिरर कितना यूज करते हो, जब आप राइट या लेफ्ट टर्न लेते हो तो आपने अपने ओवर द शोल्डर ब्लाइंड स्पॉट्स को चेक किया. सो यू हैव टू शो दैट यू आर रियली रियली केयरफुल व्हेन यू आर ऑन द रोड. बाकी आखिर में सारी की सारी वो चीज़ें जो आपको आपका इंस्ट्रक्टर सिखाता है कि राइट ऑफ द वे किसका कहाँ पे होता है, राउंड अबाउट में कैसे एंटर होते हैं, कैसे एग्जिट होते हैं, अगर कोई पार्किंग कर रहा है तो आपने उसको रास्ता कैसे देना है, अगर एम्बुलेंस आती है या पुलिस की गाड़ी आती है तो आप उसको कैसे रास्ता दोगे, दीज आर ऑल द थिंग्स विच शुड कम विद द प्रैक्टिस. द अदर टिप्स आर एक्चुअली द टिप्स ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. बाकी सारी की सारी चीज़ों का ताल्लुक उनके साथ है जो आपको आपका इंस्ट्रक्टर सिखाता है और आपको वो प्रैक्टिस करनी है. And you should follow those things. Baki, wish you all the best.